नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर एक म्यूरल बनाया गया है और वो है अखंड भारत का म्यूरल। और उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि कई एक ऐसे कंट्रीज़ इस रीजन के और दूर दूर तक के जो पहले यहाँ का हिस्सा हुआ करते थे। वह हिंद होगा और जो वो ज़रूर होगा, हमारा ये अकीदा है, यकीन है कि वो होगा और यहीं से लोग उठेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान से आरएसएस के जो लीडर है मोहन भागवत, उन्होंने कहा था कि 10 15 या 20 साल के अंदर हम अखंड भारत एस्टेब्लिश कर देंगे। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने दी थी। उन्होंने कहा था कि ये गाड़ी चल पड़ी है, ये गाड़ी का ब्रेक नहीं है, ये गाड़ी का सिर्फ एक्सेलरेटर है, हम एक्सेलरेटर से पांव नहीं उठाएंगे और ये पूरा अखंड भारत जब तक नहीं बन जाता। 80 साल पुरानी बिल्डिंग को हमने छोड़कर एक नए एरा में आ रहे हैं, वेयर वी आर ट्राइंग टू शो न्यू इंडिया। कावर हमारे खिलाफ बोल रहा है, हमारे पानी को बंद करना चाहता है। जो हमारे पानी को बंद करेगा हम उसकी सांस बंद कर देंगे, हम उसकी जुबान खींच लेंगे जो मोती पानी को बंद करता है। तो अखंड भारत का आप मैप गूगल करके देख लें, वो ना सिर्फ कश्मीर, आजाद कश्मीर, बट पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान के हद तक, इस तरफ म्यांमार तक जाता है वो। तो अगर आप उसको फेस वैल्यू पे ले लेना, जो उन्होंने बयान दिया उसको लिटरल ले ले, तो ऐसा लगता है कि वो कह रहे हैं कि आइंदा 20 साल में इंडिया जंगे करके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश सबको कब्जा कर लेगा। अब इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट तो यही, आप जानते हैं कि क्या कोई जंग करने का इरादा है, कोई ऐसे अजाइम है कि आगे जंगी होंगी और ये तमाम इलाके वापस अपने में मिलाए जाएंगे, इस वजह से यहाँ पर ये बनाई गई है और बताया गया है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज़ में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अभी हाल ही में ही नरेंद्र मोदी जी ने नई संसद का इनॉग्रेशन किया, लेकिन इसी संसद से एक तस्वीर निकल के सामने आ रही है जो कि बहुत वायरल हो रही है, और वो तस्वीर है हमारे अखंड भारत की। और जो पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर कर रहा था, आज वही पाकिस्तान इस तस्वीर को देख के डरा हुआ है, क्योंकि ये एक किस्म का संदेश भी है पाकिस्तान को कि ये जो तुम कश्मीर कश्मीर करते हो, तुम्हारा पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा है। तो खैर, देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या चर्चा करता है। मार्च के महीने में, मार्च या फरवरी में इसी साल में, आरएसएस के जो लीडर है मोहन भागवत, उन्होंने कहा था कि 10 15 या 20 साल के अंदर हम अखंड भारत एस्टेब्लिश कर देंगे। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने दी थी। उन्होंने कहा था कि ये गाड़ी चल पड़ी है, ये गाड़ी का ब्रेक नहीं है, ये गाड़ी का सिर्फ एक्सेलरेटर है, हम एक्सेलरेटर से पांव नहीं उठाएंगे और ये पूरा अखंड भारत जब तक नहीं बन जाता। तो अखंड भारत का आप मैप गूगल करके देख लें, वो ना सिर्फ कश्मीर, आजाद कश्मीर, बट पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान के हद तक, इस तरफ म्यांमार तक जाता है वो। तो अगर आप उसको फेस वैल्यू पे ले लेना, जो उन्होंने बयान दिया उसको लिटरल ले ले, तो ऐसा लगता है कि वो कह रहे हैं कि आइंदा 20 साल में इंडिया जंगे करके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश सबको कब्जा कर लेगा। अगर कर भी सकता है तो क्या इंडिया चाहेगा कि इंडिया में और 300-400 मिलियन मुसलमान आ जाए? अगला इलेक्शन हार जाएगी बीजेपी। नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर एक म्यूरल बनाया गया है और वो है अखंड भारत का म्यूरल। और उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि कई एक ऐसे कंट्रीज़ इस रीजन के और दूर दूर तक के जो पहले यहाँ का हिस्सा हुआ करते थे, यानी जो इंडियन सिविलाइजेशन है, काफ़ी एशियंट सिविलाइजेशन है, ये एक पुरानी तहजीब है। और पहले अगर आप तारीख में जाएं, सदियां पहले, तो यहाँ पर कौन कौन सा इलाका यहाँ का इलाका कहलाता था और यहाँ पर शामिल था जो अब इस का हिस्सा नहीं है। तो काफ़ी मुल्कों और इलाकों को उसका हिस्सा दिखाया गया है। जो नक्शा है वहाँ पर, उसमें कुछ मुल्कों और इलाकों को अखंड भारत का उसका हिस्सा दिखाया गया। अब इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट तो यही, आप जानते हैं कि क्या कोई जंग करने का इरादा है, कोई ऐसे अजाइम है कि आगे जंगी होंगी और ये तमाम इलाके वापस अपने में मिलाए जाएंगे, इस वजह से यहाँ पर ये बनाई गई है और बताया गया है। तो उसमें ये बात सामने आई, यानी हमारी तरफ से तो यही सवाल होगा ना कि देखें क्या ये जो है, ये तो हमें तो बड़ा खटकेगा और खटकता है कि भाई ये क्या बना दिया।
लेकिन उसमें बात ये की जा रही है कि इंडिया तो ये कह रहा है कि जंग नहीं होगी, यानी इंडिया तो इस वक्त एक अनपसंद मुल्क के तौर पर नज़र आ रहा है, बल्कि यूक्रेन और रशिया की वॉर में जो जंग बंदी है उसको कहा गया कि इंडिया मेडिएशन करवाए, और फिर यहाँ तक हुआ कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया प्रेसिडेंट पुतिन को कि ये जंग का इरा नहीं है, ये वॉर का इरा नहीं है, तो ये वाली हरकतें जो है वो ना करें, इस तरह ये वाली चीज़ें आई जिसकी तारीफ भी की गई। तो एक ऐसा मुल्क ये कैसे कर सकता है कि वो इस तरह की कोई चीज़ बनाए कि वो उसको जंग की तरफ लेकर जाए, वो ये कहे कि हम तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम। अच्छा, अब तो उसके जवाब में ये एक बात सामने आ रही है कि ये सिम्बॉलिक वे में बनाया गया, यानी कि अलामती तौर पर, कि क्योंकि एक बहुत पुरानी तहजीब है और एक ऐसा ये रीजन है कि जो दूर दूर तक फैला हुआ था और कौन कौन से कंट्रीज़ इसमें शामिल थे जो अब नहीं हैं, तो ये एक अपना कल्चर और अपनी रूट्स दिखाने के लिए कि कितनी डीप रूट्स हैं, कल्चर कितना वास्ट है, तहजीब कितनी बड़ी है, कितनी पुरानी है, ये दिखाने के लिए ये बनाया गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।